सर रणनीति क्या है विधानसभा की? हम जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं, इतना कहना प्रैक्टिकली लग नहीं रहा अभी जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? सर प्रैक्टिकली नहीं, इस प्रदेश का विश्वास रहा है जगताव देवीलाल जी और उनकी नीतियों पर चलते हुए चले दुष्यंत चौटाला जी। और आज युवा की एक क्रेज़ है दुष्यंत चौटाला जी के नाम का, जिन्होंने लेकर रोजगार, युवा रोजगार से लेकर बुजुर्ग की पेंशन और किसान की बात उठाई है। और जब जब इस प्रदेश में किसी भी व्यक्ति ने आकर सामने ये बातें उठाई है तो संघर्ष किया है, तो इस प्रदेश ने उसको झोली भरने का काम किया है और आने वाला समय दुष्यंत चौटाला का होगा और प्रदेश में उसकी झोली भरी जाएगी। पूरी मंत्री की तरह एक भाषण का शब्दावली यहाँ पर प्रयोग की जा रही है जी, मेरे तो समझ में आती नहीं, बाकी आप समझ गए होंगे, बहुत सारे भाई समझाएं यहाँ पर तो जी। और क्या कुछ? और जब भी इतिहास रचा गया वो बादली हल्के से रचा गया है, तो बादली हल्के में यहाँ पे हमारे कृषि मंत्री जी हैं भाजपा से, ओम प्रकाश धनखड़ जी, बिल्कुल है। तो अब क्या कुछ रणनीति यहाँ उनके खिलाफ? उनके खिलाफ रणनीति कल तक जो झोला उठाकर रोड पर घूमता था ओम प्रकाश जी, जो कहता था जो हमारे यहाँ एक SCZ आया है अब उसका मुआवजा डबल कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो चीज़ दूंगा, आज तक तो कृषि मंत्री ने कुछ कपड़े उतार कर जो प्रदर्शन किया था, मैंने तो आज भी उसके कपड़े दूसरी डाल के नजर से आते हैं। और दूसरी बात और बता देना चाहता हूँ, जो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी चप्पलों में घूमा करता था, आज वो सूटकेस में जूते रख के घूम रहा है। कभी उसकी गाड़ी में चेक कर लेना, 5 जोड़ी जूते पाएंगे सूटकेस में? देखो अब कपड़े पाएंगे सूटकेस में, जूते पाएंगे, मतलब कोई एलिगेशन वाली बात नहीं है, ये एक जेलिसी वाली बात है। जेलिसी वाली बात नहीं कर रहा मैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस बात अब मैं इस गाड़ी में चलता हूँ सारा दिन, 3-4 जोड़ी मेरे भी रखेंगे, चप्पल भी रखेंगे, जूते भी रखेंगे। सर मेरे को कभी मेरे को महसूस ऐसा हो रहा है, जो ये पत्रकार आजकल जो बात कर रहे हैं ना, जैसे बीजेपी जा रही है वैसे बोल रहे हैं। आपके ऊपर नहीं, ये जनता का विचार है, मेरा नहीं, मतलब जो मैं लोगों से सुनता हूं। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है। नहीं, मैं झूठ कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तो मेरा कहने का विचार आदमी है, जो आदमी कपड़े उतार कर किसान की मांग कर रहे थे और वो एकदम सुनो, मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछा था कि जी आपने एक बार अर्धनग्न प्रदर्शन किया था स्वामीनाथन के लिए, अब वो आपने लागू नहीं किया, तो उन्होंने फिर पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई जो भी स्वामीनाथन की कंडीशन थी वो सारी हमने लागू कर दी, तो स्वामीनाथन बचा कहाँ? अब इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? तो उनसे पूछूं, अब स्वामीनाथन कपड़े रखना, जूते रखना, ये आप स्वामीनाथन की बात कर रहे हो, चलो उसको हटा दीजिए, आज बादली हल्के से कृषि मंत्री है वो जी, कहीं भी जी। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, वो कृषि मंत्री जो किसी के सुख दुख ब्याह शादी और सामूहिक काम में अगर आगे आके हाथ बढ़ाता हो तो मुझे बता दीजिए, दूसरों के किए हुए कामों को आगे बढ़ाने का। आज हमारा जहाँ बादली हल्का शुरू होता है वहाँ एम्स में, जो हमारा एम्स 2 से एम्स बनने वाला था उसको ले जाकर हीरवाल में देने का काम, इतना कमज़ोर मंत्री मैंने बादली हल्के में कभी नहीं देखा। देखो इतनी ज़्यादा सी नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में पूछा था, उन्होंने कोई जवाब दिया था, वो मेरे थोड़ा समझ से भरे थे। जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें कही, तो स्वामीनाथन का था, स्वामीनाथन का भी टॉपिक मैंने तो जो बातें कही ग्राउंड लेवल की कही हैं। ग्राउंड लेवल की बात ये थी, मैं जब लोकसभा की कवरिंग कर रहा था मैं, हाँ, तो वहाँ पे कुछ लोगों से मैं मिला, तो वहाँ पे उनके कुछ पक्ष में भी थे, कुछ विपक्ष में भी थे, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात है तो उस बादली गांव में, इस बादली गांव में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ग्रामीण लेवल पे नहीं। नहीं नहीं, कौन सा काम हुआ? मैं जो तहसीलदार बैठे हैं, वो जो बैठे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, अदरवाइज पूरे हरियाणा में कहीं भी ऐसी कोई जगह भी नहीं। मैं सर यही तो बात बता रहा हूँ ना, जो ये पत्रकार है या तो ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं या पुरानी जी, आप यहाँ बात पे आइए। ओके, आप या तो एक मिनट पुराना भाई, अगर इनकी बात सही है तो भाई नीचे कमेंट कर दियो, अगर मेरी बात सही है तो नीचे कमेंट कर दियो, मैं आपका वेट करूंगा, क्योंकि मैं कोई पत्रकार तो मैं हूँ नहीं, सिंपल इंटरटेनर यूट्यूबर हूँ, उसकी तरह से मौज मस्ती में काम करता हूँ। जो ये सवाल कह रहे हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनका ये जवाब दे रहे हैं, तो भाई कहाँ पे ये ठीक है, कहाँ पे मैं गलत हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दियो भाई। हाँ जी, जब 82 में जी चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने जी, तो सबसे पहले बादली को उप तहसील बनाने का काम किया था। हाँ
हम अब की बात कर रहे हैं। मैं देखो आप देवीलाल जी तो बड़े एक मिनट पहले मेरी पूरी बात जबरदस्त इंसान थे। जब आप तहसील की बात आती है, जब सालों से ग्रांट रुकी रही तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इंडियन नेशनल लोक दीर्थ थी तो उन्होंने बादली में कॉलेज देने का काम किया था, ठीक है। तीसरी बात जहाँ आती है, जो ये कॉलेज की और जो ये आप हमारे तहसील की मांग बता रहे हो, जो ये निकम्मी और नाकारा सरकार थी पिछले वक्त 10 साल से, जो 9 साल के तकरीबन रही, जिसके मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिनके सांसद लाडले दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनसे हमारे जिस KMP के आप नीचे खड़े हो, इसके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। इसके अंदर एक हमारा दिल्ली से होता हुआ रास्ता जाता है, वो हमने एक मिनट सर उसका हमने हमारे रास्ते को ब्लॉक करना काम किया, उसका हमने मुकदमा लड़ा बकायदा कोर्ट में। हम लोअर कोर्ट से जीते, हम हाई कोर्ट से जीते, अब हम हाई कोर्ट में जाकर मेरा हाथ मिली है और वो पुल हम ग्रामीण वासियों ने, सभी क्षेत्र के लोगों ने, जैसे बलबीर जी थे, होशियार सिंह मास्टर जी थे, साहब सिंह जी थे, उन लोगों ने चंडीगढ़ अपनी गोद से पैसे लगा लगा कर काम किया है। तो क्या ये काम हम सरकार का मान लें या लोगों का मान लें, मुझे इतना बता दीजिए। देखो मेरे को ज़्यादा सा नॉलेज, मैं तो सिंपल, मैं आपको सिंपल जिस KMP के नीचे खड़े इसी की बात कर रहा हूँ। सुनो ये बातें मैं काफ़ी दिनों से सुनता रहा हूँ, जनवरी दिसंबर से, दिसंबर का जनवरी का मैंने इलेक्शन देखा, उसके बाद मेयर का इलेक्शन देखा, अभी MP का इलेक्शन देखा, आगे की रणनीति क्या हमारी इसी बात पर चलेगी या कुछ चेंजेस कर रहे हो? सर इसी बात सर सीधी सी बात, आने वाली राजनीति जी सिर्फ प्रदेश की जी और बादली हल्के की दुष्यंत चौटाला के नाम पे चलेगी। और कोई भी व्यक्ति होगा हल्का प्रधान होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस भाई को भी टिकट मिलेगी उसको चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे और दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम बादली विधानसभा क्षेत्र करेगा। वाह जी धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा जी? ओके ओके, तो जी ये थी मेरे ऊपर एलिगेशन की बात, बाकी मजा आया करें, मैं कुछ ऐसी कोई सीरियस बात लिया नहीं करता, मैं मजा आया करें। तो भाई हो सकता है, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, हो सकता है इनको, देखो खैर ये अध्यक्ष हैं किस चीज़ के हैं डेजिग्नेशन मेरे को पता ही नहीं होती है। तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कर दिए ताकि थोड़ी मेरी भी GK बढ़ जाए और आपकी भी GK बढ़ जाए। बता दिए भाई, धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय। भाई